तक चल रहे थे हम लोग डीजल वाली कार पे, पेट्रोल वाली कार पे, सीएनजी वाली कार पे, इन सब कार के बारे में हम अभी तक फेमिलियर थे। लेकिन अब जो ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ फोकस कर रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि डीजल कार, डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल्स बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते थे और उन सबको ध्यान में रखते हुए सारी कंपनी ट्रांसफर कर रही है खुद को इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ। सो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं कार्स के बारे में, कितने टाइप्स की होती हैं, इनकी कॉस्ट क्या आएगी चार्जिंग को लेकर के, और इनका बिल कितना आने वाला है, कितने एमएच की बैटरी होगी इनमें, कैसे कैसे टाइप्स के होंगे, इन सब की बात करेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भैया फर्स्ट टाइप की बात करें, फर्स्ट टाइप में जो कार आती है वो थी पूरी बी, कहते हैं बीईवी यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो टोटली बैटरी पे बेस्ड होती है। इसमें आपको ग्रिड चार्जिंग मिलती है जो कि एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन होता है, और सब कार्स का प्राइस जो होता है वो नॉर्मल कार्स के कंपेरिजन में बहुत कम होता है, और इसमें आपको कोई भी कंबशन इंजन वगैरह नहीं मिलता है, तो ये बहुत अच्छी होती है। और इसमें स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि इसमें इंजन का और बाकी फ्यूल टैंक का कोई भी लोचा नहीं होता है, और इसमें बैटरी पैड जो होता है वो नीचे बेस में सेट कर दिया जाता है पूरी तरह से, वही बहुत कम स्पेस को कवर करता है। और ये कार की अगर बात करें अगर स्पीड की, तो स्पीड इसकी होगी 500 किलोमीटर से लेकर के 200-250 की स्पीड में, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल पे डिसाइड करता है कि कैसा मॉडल है आपका, कितनी कॉस्ट आई है कार की, उस हिसाब से आपको ये बैकअप देगी बैटरी का। आउटलेट बात करें तो ये चार्ज हो जाएगा हमारा 110 वोल्ट डीसी, यानी कि जो उसका सप्लाई चार्जर मिलेगा उसके साथ चार्ज कर सकते हैं आप घर पे, और आप 240 वोल्ट एसी से भी चार्ज कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन मिलेगा। लेकिन आपको अगर स्टेशन पे, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टेशंस लगे होंगे वहाँ पे अगर आप चार्ज करते हैं इनको जाके, तो आपको 400 वोल्ट डीसी क्विक चार्जिंग मिलेगी, जो कि 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक के बीच में ये पूरी 80% चार्ज हो जाएगी, पूरी तो नहीं 80 से 90% चार्ज हो जाएगी फुल चार्ज। और अगर बात करें इसकी बैटरी के एमएच की, तो एमएच नहीं होगा ये किलो वॉट में। बात करें तो टाइप टू में आएगी हमारी हाइब्रिड और प्लग इन इलेक्ट्रिक कार। सो इसमें क्या होगा, बेसिकली होगा क्या, आप इसे चार्जिंग से भी इसको चार्ज कर सकते हैं, मतलब बैटरी से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा, और आप इसे फ्यूल से भी चला सकते हैं। बात करें अगर इसकी स्पीड की, तो स्पीड आपकी डिपेंड करेगी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के हिसाब से, 200 से 80 किलोमीटर तक के डिफरेंट में आ सकती है, ये डिफरेंट मॉडल के हिसाब से आपको वेरी करने को मिलेगी। स्पीड की बात करें सो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए, 200 किलोमीटर तक की भी रेंज अगर कवर करती है आपकी कार बिना फ्यूल के, अगर आपका रास्ते में कहीं फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आप बैटरी का यूज़ करके आप स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और अपना फ्यूल वगैरह डलवा सकते हैं, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको ताकि आपको प्रॉब्लम, और इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे फ्यूल से भी और बैटरी से भी चला सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन। बात करें तो टाइप 3 की टोटल हाइब्रिड कार होने वाली है, इसमें आपको प्लस चार्जिंग की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे आपको अपने कंबशन इंजन से चलानी है गाड़ी को, और उसी के कार चलेगी नॉर्मल इंजन से, और इसका जो टॉर्क पैदा होगा उससे ये अपने डायनेमो से इसको सेल्फ चार्ज कर लेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होगी, 50% ऑफ द चार्ज होगी, क्योंकि फोर्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक आपका मैकेनिकल में और एक इलेक्ट्रिकल में, सो 50% बैटरी। सो अगर बात करें इस कार के फीचर्स के बारे में, तो नॉर्मल वैसे ही आपको इलेक्ट्रिक कार की तरह मिलेगी, और जैसे कि आपकी नॉर्मल फ्यूल कार होती वैसे ही होगी, बस इसमें क्या खासियत होगी, इसमें एक मोटर भी होगी और एक इंजन भी होगा, मोटर चलेगी आपकी बैटरी पैक से और इंजन चलेगा आपका फ्यूल से, सो आप काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये कुछ दूर तक आपको ड्राइव करा देगी बैटरी की मदद से, वो भी आपको कि एक्स्ट्रा चार्जिंग से नहीं देना पड़ेगा इसको चार्जिंग, क्योंकि ये सेल्फ चार्ज जाएगी, भले ही 50% चार्ज होगी, लेकिन आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि हाँ आपको आपकी थोड़ी सी एनर्जी और कॉस्ट जो है सेव हो जाएगी। कार के बारे में तो ये फ्यूल सेल पे डिपेंड होगी, ये एक अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे और इनसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, सो ये एक अलग कंसेप्ट है, इस पर रिसर्च चल रही है अभी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूँ। बात करें इस कार के फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इंस्टेंट स्टोरी रिलीज की जाएगी, मतलब आप समझ रहे हैं, इससे पैकेट्स में एनर्जीज होगी जिसको थोड़ा थोड़ा रिलीज करके इंजन को फील कराया जाए, और इसकी खास बात यह है कि इससे नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि रिलीज जो करेगी वो हमारा टोटल वाटर करेगी, जो कि हार्म नहीं करता है नेचर को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। और इसकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी स्पीड भी वही हमारी होगी, मस्त वही हमारी जो स्पीड होती है नॉर्मल आपकी 200 के अंडर में। सो भैया अगर फुल रेंज यानी कि 40 किलोवाट की अगर बैटरी आपको चार्ज करनी है, तो आपको खर्चा आएगा टोटल 3 यूनिट का, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी, तो फुल चार्जिंग में जो मेरी कॉस्ट आएगी वो होगी 18 रुपये, सो बहुत कम कॉस्ट है, और आपकी 200 से 250 किलोमीटर कार चलेगी, सो आपका नॉर्मल अगर कंपेयर करें कि फ्यूल इंजन से और इलेक्ट्रिक इंजन में, सो काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये।
तो फायदा जो हमारे होने वाले हैं, फायदा इसमें क्या होंगे, आपको इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। आप अगर परचेस करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को नज़र में रखते हुए इन सब कार पे फोकस किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी आपको अच्छा खासा छूट देगी। इसमें लेस मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा मेंटेनेंस करनी होगी। इसमें मोटर का खर्चा होगा और बैटरीज में जो रिपेयरिंग वगैरह लगे, बाकी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देनी है, जैसे कि फ्यूल वगैरह, बाकी जो कमर्शियल इंजन वगैरह में मेंटेनेंस का खर्चा आता है, सर्विस, मोबी ऑयल, ये सब वगैरह, इन सब का खर्चा नहीं आने वाला। तो काफ़ी आपका सो भैया प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे ज़्यादा इसमें आएगी चार्जिंग की प्रॉब्लम। अगर आपको थोड़ी थोड़ी दूर के लिए जाना तब तो आपके लिए कार सही है, लेकिन आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी है तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर जगह जगह पे आपके लिए चार्जिंग प्लग्स होने चाहिए, वरना शॉर्ट डिस्टेंस पे ही चार्जिंग का ऑप्शन आने लगता है। 200-250 किलोमीटर के बाद आपको चार्जिंग करनी ही पड़ेगी और आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर हाइब्रिड कार लेते हैं तो उसका अलग मैटर है, लेकिन अगर आप प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं बैटरी पर डिपेंड वाली, तो आपको ये सब ऑप्शन मिलेगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।